सो हे गाइस, हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले आप उस क्लिप को देख कर, फिर मैं आपको वीडियो को एंड में मिलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंट्रो को जो है, वीडियो को इंट्रो को है, रूम में बैठ के क्यों शूट कर रहा हूँ। तो पहले आप उस क्लिप को देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस, आप ये सामने देख सकते हैं, ये जो है घाट पे जाने का रास्ता है। ये जब आप राजघाट पुल पे जाएंगे तो उससे पहले ये रास्ता कटा हुआ है घाट पे जाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो वगैरह लगा हुआ है और आप सामने देख रहे हैं वो राजघाट का पुल है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ काफ़ी कम है और सामने आप देख सकते हैं इधर बाइक पार्किंग एरिया है, लेकिन हम लोग सामने और आगे चलकर बाइक को पार्क करेंगे और आपको जो भी है सारा कुछ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये राजघाट का पुल है। तो गाइस, अभी शाम का समय है और शाम का करीब 4:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं इधर साइड में दुकान वगैरह लगा हुआ है और आप सामने गंगा नदी में देख सकते हैं, पानी काफ़ी है। और हम चल के पहले सामने बाइक को अपना पार्क कर देते हैं और यहाँ पे टिकट वगैरह कितने का लग रहा है, रेट वगैरह हम आपको बता देते हैं अभी। और गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाइक पार्किंग का 20 रुपये लगा है और ये उसका यहाँ का टिकट है, तो आप देख सकते हैं। और चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। और गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग बाइक पार्किंग एरिया में हैं और आप इधर से देख सकते हैं कि जो है गंगा जी में कितना बाढ़ है। और सामने आप देख सकते हैं राजघाट का पुल है और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है करीब गंगा जी जो है 4-5 इंच जो है घट चुके हैं और जो रेड लाइन लगा हुआ है वो है खतरे के निशान से ऊपर का है। और बाकी आइए हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर। और गाइस, आप सामने देख सकते हैं ये CNG स्टेशन है जो कि गंगा नदी में बनाया गया है, ये गेल कंपनी बनाई है। और गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये ऑटो वगैरह बाइक वगैरह के लिए CNG स्टेशन है और सामने से ये घाट पे जाने के लिए रास्ता है। तो अभी गेट से हम एंट्री करेंगे और अंदर चल के आपको जो भी है सारा कुछ दिखाएंगे। तो पहले चल के हम लोग यहाँ से एंट्री ले लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर आने पर ये दीवार पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है घाट वगैरह का नहाते हुए, तो देखिए काफ़ी सुंदर है, खुशनुमा है। और अभी करीब यहाँ पे 2 घंटे पहले बारिश हुआ था तो आप देख सकते हैं इधर थोड़ा बहुत पानी है, जमा है, देख सकते हैं। और उधर आप सामने से JCB वगैरह लगा हुआ है क्योंकि आगे घाट का कार्य चल रहा है। तो अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं, इधर देख सकते हैं, पहले चलिए हम आपको ऊपर से दिखा देते हैं। ये पूरा ऊपर का खाली खाली एरिया है, पहले इधर से हम आपको दिखा देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और आप नीचे देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे सारा वो जो सामने दिख रहा है वो सब घूमने के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बाढ़ का पानी आ चुका है, देख सकते हैं। और जो है पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज़ है, देख सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ है, देखिए जूम करके देख रहे हैं आप। और अब देखिए ये जो नमस्ते का स्टेचू बना हुआ वो भी देखिए पानी में कितना डूब चुका है, हालांकि अब तो पानी घट रहा है। और देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे घाट पर आकर, मौसम भी काफ़ी खुशनुमा है, लेकिन भीड़ काफ़ी कम है, ये भीड़ कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर डे यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सीढ़ी बना हुआ है, लोग इधर अपना एंजॉय कर रहे हैं, देखिए सामने भैया नहा भी रहे हैं जबकि यहाँ के गार्ड जो है मना कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये नमो नमः गोवर्धन घाट, देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इधर देखिए आगे जो घाट का कार्य हो रहा है उसका ये सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये आप देखिए गाइस, यहाँ पे नीचे जो कि घाट पे सारा गमले में पेड़ पौधा लगाया गया था तो बाढ़ का पानी ऊपर आने की वजह से सारा उठाकर एक जगह पे रख दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम आपको और नीचे से दिखाते हैं, पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे से चल के दिखाता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि पानी वैसे अच्छा भी लग रहा है लेकिन तो भी देखिए लहर कितना तेज़ है, काफ़ी तेज़ लहर।
और ये स्टेचू तो डूब चुका है। देखिए जो लिखा था नमो नमः वो भी आधा डूब चुका है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप इधर सामने देख सकते हैं कि यह घाट पे जाने के लिए एक गेट बना हुआ है लेकिन इसे बंद किया गया है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि मैं अपना जो भी है वीडियो फ़ोन से ही शूट करता हूँ, तो हुआ यूँ कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो ये हुआ कि चलिए अच्छा आते वक्त हम लोग जो है इंट्रो को शूट कर लेंगे, तो हम लोग ने वहाँ का सारा वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद फिर जब हम लोग आए बाहर तो देखा कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। इस वजह से हम लोग जो है इंट्रो शूट करना मतलब चाहते थे लेकिन शूट नहीं कर पाए। इस वजह से मुझे वापस से फिर अब जाके इंट्रो शूट करना हो रहा है और फिर इसको एडिट करना होगा।